नाजरीन, सर इंसानों का है और जिस्म जो है वो जानवर का है, और ये मुमताज़ बेगम इसका नाम है। उम्र कितनी है? 13 सर। स्कूल गए हो कभी के? नहीं। शौक नहीं है? नहीं। दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी 1000 से 1500 दिहाड़ी है, लेकिन जो है ना अगर काम शाम ज्यादा हो तो इनको ज्यादा देते क्यों नहीं। नाजरीन, सर इंसानों का है और जिस्म जो है वो जानवर का है, और ये मुमताज़ बेगम इसका नाम है। इस पर्दे के पीछे कितनी हकीकत है और इस कहानी के पीछे क्या हकायक है, आज इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी कोशिश भी यही होगी कि मुमताज़ बेगम से मैं बात करूं और उसकी उम्र कितनी है, क्या करती हैं, वाकई ये सच है या झूठ है, ये तो चल के दिखाएंगे हम आपको। ये सिर्फ आंखों का खेल है बच्चों के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको असल समझ बैठते हैं कि यार हकीकत है। पैसा लूटते हैं यहाँ पे, अंदर ले जाके पैसे ले लेते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। खाली निकाल दे, कुछ भी नहीं। चलें, ये दिखाना जरूरी है, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मुमताज़ बेगम से मिलवाते हैं आपको। मुमताज़ बेगम क्या क्या बातें करती हैं हमारे साथ, आइए चलते हैं बात करते हैं। ये जी मुमताज़ बेगम है और सर इंसानों वाला है, जिस्म जो है ना वो जानवर का है, मेरा ख्याल है भेड़िया है ये, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूं। अच्छा मुमताज़ बेगम, अपना उम्र कितनी है? 13 साल। खाना शाना खाते हो? हाँ। हाँ। आद के साथ? हाँ। 13 साल की उम्र में कैसे शौक पड़ गया ये, मजबूरी के तहत? जादू हुआ? जादू नहीं, सही बात बताओ इसको, सही बात करो। मैं कस्टमर नहीं, शौक पड़ गया। हाँ। अच्छा खाना शाना हाथों के साथ खा लेते, मुझे ये बताओ स्कूल गए हो कभी? कोई खिलाते? अच्छा जी। स्कूल गए हो कभी के नहीं? नहीं। शौक नहीं है? नहीं। पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं। ये मजबूरी थी? मजबूरी थी। मजबूरी थी। अच्छा कितने टाइम से ये कर रहे हो? ये 40 साल। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने पैसे मिलते? 1000। 1000। 1000 मजदूरी मिलती है, मजबूरी है, उन पैसों का क्या करते हो? घर देते हो? नहीं। हाँ क्या होता है फिर, खुद खा लेते हो? देता है। अच्छा इसको शर्म भी आ रही है, बात नहीं कर रहा। मुमताज़ बेगम है और 13 साल इसकी उम्र है, और इंसान चेहरा इंसान का है, लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ आंखों का खेल है और बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट है। ये रोज़ी कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि इनके पीछे इनकी क्या कहानी होती है। इनसे बात करने का मकसद ये था कि ये मजबूरी के तहत करते हैं, घर में हालात ठीक नहीं होते उसकी वजह से। इधर ड्यूटी कितनी देती हो? 12 घंटे? हाँ। 12 घंटे? 8 घंटे? आपसे कर लेता हूँ यार बात। 8 घंटे ड्यूटी? 8 घंटे का ड्यूटी। अच्छा 8 घंटे। दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी 1000 से 1500 दिहाड़ी है, लेकिन जो है ना अगर काम शाम ज़्यादा हो तो इनको ज़्यादा देते क्यों नहीं। अच्छा खाना शाना खिलाते हो? अच्छा खिलाते हैं खाना शाना। अच्छा लगाते? थकावट नहीं होती? नहीं। थकती नहीं हो? नहीं। साफ सुथरा माहौल है? नहीं नहीं, थकती नहीं है यहाँ पे। 8 घंटे बैठी रहती है मुसलसल? 8 घंटे बैठी नहीं रहती, उठ भी जाती है, घूमती है, फिरती है। अच्छा खाना शाना भी खा? खाना शाना भी। चले जी, ये दिखाना ज़रूरी था नाजरीन आपको और इनसे बात करना ज़रूरी थी, बाकी इनके काम का टाइम है, बच्चे आते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, देखते हैं, और ये आपको दिखाना ज़रूरी था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।